ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर पीडब्ल्यूडी विभाग पर सड़कों के उखड़ने पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भोटा चौक के नजदीक उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कार्यालय के समीप सड़क बदहाली के आंसू रो रही है। सड़क के उखड़ने से जहां सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, वहीं उन गड्ढों में बरसात का पानी खड़ा हो गया है और वाहनों की आवाजाही में भी लोगों को परेशानी आ रही है। हमीरपुर पीडब्ल्यूडी विभाग पर सड़कों के उखड़ने के एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भोटा चौक के नजदीक उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कार्यालय के समीप सड़क बदहाली के आंसू रो रही है। सड़क के उखड़ने से जहां सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, वहीं उन गड्ढों में बरसात का पानी खड़ा हो गया है और वाहनों की आवाजाही में भी लोगों को परेशानी आ रही है। लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आपको बता दें कि कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत की जाती है, लेकिन हल्की सी बरसात के कारण सड़क पूरी तरह से उखड़ जाती है। बरसात के कारण सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बनने से और उसमें पानी जमा होने से लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जसवंत सिंह ने कहा कि सड़क में बरसात के कारण जो गड्ढे पड़े हैं, उनको लेकर उपायुक्त हरकेश मीणा से बात भी की गई है और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इन गड्ढों को भरा जाएगा। डीसी साहब के नोटिस में वो हम लाए हैं और क्या बोलते डीसी साहब ने पीडब्ल्यूडी के थ्रू जो है वो इसका एस्टीमेट भी बनाया और वहाँ पे थोड़ी सी वो अड़चन आई थी कि वो उन्होंने काफ़ी लंबा शायद उसमें रोड को वो ले लिया था, 10 लाख की लगभग जो वो एस्टीमेट वाला था, तो उसको रिव्यू करने के लिए डीसी साहब ने कहा है कि जो जो हमारी बिल्डिंग के फ्रंट में उसका जो फिलहाल एस्टीमेट बना दिया जाए और उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे और मुझे लगता है कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज पे।